नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मतदान के दौरान गुमला जिले के सिसई विधानसभा क्षेत्र के बगनी बूथ पर पुलिस फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए हैं। हिंसा के बाद मतदान रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र के अंदर गड़बड़ी की कोशिश हो रही थी। सुरक्षा जवान ने रोकने की कोशिश में मतदान केंद्र के अंदर गोलियां चलाई, जिसमें अशफाक नामक युवक घायल हो गया। इसके बाद उग्र गांव वालों ने पथराव किया। पथराव में थानेदार को भी चोट आई है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में जिलानी अंसारी की मौत हो गई है, जबकि अशफाक अंसारी और ठूपा अंसारी घायल है। बगनी गांव में भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है। मतदाताओं का आरोप है कि उन्हें वोट देने से जबरन रोका गया, जिसके बाद लोगों ने यहां पथराव शुरू कर दिया। इधर चुनाव आयोग ने फायरिंग की इस घटना पर संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी फायरिंग वाले मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और गांव वालों द्वारा पत्रकार पर भी हमला हुआ है। वहीं आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ बटालियन गांव में पहुंच गई है। गुमला के एसपी ने बताया कि सिसई के बूथ नंबर 36 पर मतदान बाधित होने की खबर मिली है। यहां वोटरों की ओर से मतदान केंद्र पर पथराव किया गया है। पुलिस फायरिंग की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि यहां वोटरों ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा बलों पर अचानक पथराव शुरू कर दिया है। पुलिस बल ने यहां आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मतदान कर्मी खुद को बचाने के लिए बूथ से भागकर एक कमरे में बंद हो गए। वहीं एसपी का कहना है कि अतिरिक्त पुलिस बल मतदान केंद्र पर भेजे जा रहे हैं। साथ ही गुमला के सिसई में गांव वालों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साथ ही पत्रकार जिनका नाम सीताराम साहू है, वो भी घायल हो गए। वहीं गोली लगने वाले जिलानी नामक युवक की मौत के बाद गांव वालों में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे गए हैं। अस्पताल के चिकित्सक ने उपायुक्त की घटना की जानकारी देते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। दूसरी ओर मनोहरपुर में नक्सलियों के डर से एक भी मतदाता वोट देने मतदान केंद्र नहीं पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।